राजधानी दिल्ली में कूड़े को लेकर बीते नगर निगम चुनाव में काफ़ी सियासत हुई थी। आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे, लेकिन अब उनके सत्ता में आने के बावजूद भी दिल्ली के कई इलाकों में कूड़ा दिख रहा है। हम अभी आपको दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के श्रीनिवासपुरी इलाके की स्थिति दिखा रहे हैं, जहाँ पर कूड़े का क्या हाल है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे पास कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी जी, हाँ। आप यहाँ रहती हैं, कितनी समस्या हो रही है कूड़े से? पूरा शाम को जाम हो जाता है गाड़ी, हाँ। गाड़ी नहीं निकलता है, जाम हो जाता है, हाँ। कूड़ा नहीं उठ रहा है। कितने दिनों से पड़ा हुआ है ये? तो हो गया कम से कम 15-20 दिन ऐसे ही पड़ा हुआ है। हाँ, कहीं पड़ा, कोई हटाने वाला नहीं, नहीं। तो कितनी समस्या आप लोगों को होती है? हमको तो ये चलने में रास्ते में ये गाड़ी जाम होता है तो निकल नहीं पाते। बारिश होता है तो बारिश होता है तो भर जाता है नाला, बदबू वगैरह भी देता है, हाँ। बीमारी वगैरह का खतरा, हाँ, हाँ, हाँ। पूरा रोड में पानी भरा रहता है। आप अपना नाम? विपिन। विपिन जी, क्या कहेंगे, आप यहाँ रहते हैं, कितनी दिक्कत हो रही है? जी, बहुत परेशानी है इससे, बहुत हम लोग को बहुत परेशानी होते हैं। ये कचरा पूरा जहाँ मर्जी उठा के यहाँ फेंक देना है, कोई उठाने वाला इसका कोई नहीं है, कोई देखने वाला है ही नहीं। देख ही रहो आप सब देख ही रहो, पूरा कहानी है यहाँ पे, यहाँ से लेके वहाँ तक देख लो, आप जहाँ चलोगे वहाँ तक पूरा कूड़े का ढेर है। मुख्य सड़क है, पूरा मेन रोड है ये हमारे यहाँ का। एक गाड़ी आएगा दूसरी गाड़ी निकल नहीं सकती वहाँ से। आप लोग इसकी शिकायत वगैरह करते हैं? यहाँ तक किसी को? पूनम है। पूनम जी, कितनी है पूरे से वजह से कितनी दिक्कत हो रही है आप लोग? बहुत दिक्कत हो रहा है हम सभी को, महक से बैठा नहीं जाता द्वार के आगे, बर्दाश्त नहीं होता जरा सा, रात दिन हम सब परेशान रहते हैं, कभी सुअर मरता कभी बकरी मरता, सब महिंदा डाल देता है, वो खाता पीता है कूड़ा भात रोटी सब महिंदा डाल देता, कैसे मना करता समझता ही नहीं है कोई, कदर ले जाएगा कूड़ा दान में सफाई करके, कोई सफाई करने का राजी नहीं है। जब से इलेक्शन हुआ तो कोई सफाई करने का राजी नहीं है, पहले तो होता भी था सफाई, इलेक्शन के बाद कोई नहीं कर, कोई नहीं कर रहा है, बिल्कुल ले जाता कूड़ा वाले उधर कोई आइए। देख सकते हैं यहाँ पर लोग हैं, आप अपना नाम बताइए। अलीमुन्नम। कितना दिक्कत हो रहा है कूड़े से आप लोग? बहुत दिक्कत होता है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? सफाई हो है और का। आप अपना नाम बताइए। सुरेंद्र चौहान। कितना दिक्कत होता है कूड़े? बहुत दिक्कत है भाई, जाने बरसात होने के बाद कोई जा नहीं सकता, यहाँ से लेकर के पूरे नहीं होता, कोई पानी नहीं होता। अच्छा, बदबू भी रहता है? बदबू भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, बहुत गंदगी है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से कूड़ा की स्थिति हुई है, आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क है और ये मुख्य सड़क है जो नेहरू नगर और जो है श्रीनिवासपुरी को आपस में जोड़ता है, और उसकी स्थिति क्या हुई है उसकी चारों तरफ की तस्वीरें हम दिखा देते हैं, किस कदर कूड़ा भरा हुआ है। और आपको इधर की तस्वीरें दिखा देख सकते हैं, रिंग रोड है ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, रिंग रोड है जो आप देख सकते हैं, रिंग रोड है जो आश्रम का फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, ऊपर गाड़ियां जा रही है और नीचे से जो नेहरू नगर को जोड़ने के लिए सड़क है वहीं पर ये तमाम दिक्कतें हुई हैं। गाड़ियां आती हैं जो आश्रम का फ्लाईओवर उसके नीचे से जो अंडरपास है उसी के तहत जो श्रीनिवासपुरी की तरफ लोग आते हैं और उनको इन समस्या से जूझना पड़ रहा है। और ये जो सड़क है वो सीधे आपका श्रीनिवासपुरी की तरफ जाता है और इसी सड़क पर ये पूरी समस्या हुई है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस कदर सड़क पर जो है वो कूड़ा है वो फैला हुआ है, कूड़े की गंभीर समस्या है। इस भी लोगों का कहना है कि इस समस्या से वो काफ़ी जूझते हैं और जब बारिश होती है तो उनको काफ़ी परेशान होना पड़ता है। बता दें जो श्रीनिवासपुरी का ये जो क्षेत्र है वो कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ से विधायक जो हैं वो आतिशी जो हैं जो दिल्ली सरकार के मंत्री भी हैं, और वहाँ की ये हाल है। हम आपको ये आप यहाँ के निगम पार्षद हैं, साफ़ सफाई का काम नगर निगम का होता है, लेकिन यहाँ पर कई जगहों पर स्थिति देखी जा रही है और ये मुख्य सड़क पर कूड़ा भरा हुआ है। कितनी समस्या आप लोगों को हो रही है, क्यों आप काम नहीं करा पा रहे? समस्या नहीं है, ये समस्या पैदा करी गई है। जब बाढ़ ही अपने खेत को खाना शुरू कर दे तो उस खेत को कोई बचा नहीं सकता। दिल्ली की सरकार एक
योजना के अनुसार इस श्रीनिवासपुरी को कूड़े का अंबार बना रही है। इस कूड़े के पहाड़ के नाम पर ये सरकार में आए थे, निगम के अंदर कूड़े के पहाड़ लेकर के नाम लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लोगों को दर्शाया था कि कूड़े के पहाड़ हैं, इनको मैं समाप्त करूंगा। लेकिन अब उसने वो समाप्त करने की जगह दूसरा काम शुरू कर दिया, हर मोहल्ले में हर कॉलोनी में कूड़े के पहाड़ बनाने शुरू कर दिए हैं। अब दोबारा चुनाव आ रहा है, कोई नई रूपरेखा लेके आएंगे, कोई नया ढोंग लेके आएंगे, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का काम रहा है। आज वही काम दिल्ली की विकास मंत्री आतिशी कर रही है, मरलीना जी वो कर रही है, पूरी श्रीनिवासपुरी को कूड़े का अंबार बना रही है। ये श्रीनिवासपुरी की मुख्य मार्ग है जो श्रीनिवासपुरी को नेहरू नगर से, रिंग रोड से, लाजपत नगर से जोड़ता है। इस रोड का हाल देख सकते हैं, इस छोर से लेकर के अंतिम छोर तक कूड़े के अंबार लगा रखे हैं और स्वयं पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कूड़ा लाके डाला जाता है यहाँ पर। क्यों? यहाँ गरीब आदमी रहता है, यहाँ पर डंपिंग यार्ड भी बना हुआ है, डंपिंग यार्ड अंदर है, ये सड़क को डंपिंग यार्ड का रूप दे रहे हैं, इसको उठाते नहीं है, यहाँ लाके डालते हैं, इसको सजाते हैं। ये दिल्ली के स्वरूप को नष्ट करने की साजिश। नगर निगम का जो काम होता है तो क्या उसके लेकर के आप नहीं कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? नगर निगम का काम है साफ सफाई और स्वच्छता। ये स्वच्छता को जब दिल्ली की सरकार ही खत्म करेगी, दिल्ली के सरकार के अधीन नगर निगम आता है और नगर निगम को तुष्टीकरण की नीति से पंगू बनाने का काम दिल्ली की सरकार कर रही है। और दिल्ली की सरकार की मंत्री जो यहाँ की स्वयं MLA है, वो ये उसके दिशा निर्देश पर इस सड़क को कूड़े के पहाड़ बनाए जा रहे हैं। क्यों? इन गरीब आदमियों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, इनकी गरीब का गला घोटने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये झूठी राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी ये कर रही है। क्यों इस सड़क को जो है कूड़े का अंबार बना दिया? इस लोगों की समस्या का आप इस स्तर पे क्या काम कर रहे हैं, अजय निगम पार्षद, आप इसके लिए? हमने इनके खिलाफ चालान काटे हैं, हमने इनके विरुद्ध अभियान चलाया है। यहाँ पर कूड़े का काफ़ी अंबार लगा हुआ है, काफ़ी दिक्कतें हैं। और आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं, एक यहीं पर डंपिंग वार्ड जो है वो बना हुआ है, बावजूद उसके जो है यहाँ पर डाला जा रहा है, जो सड़क पर डाला जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। जो पूरी खर्च करके इसको बनाया गया यहाँ पर कूड़ा रखने के लिए, लेकिन यहाँ पर कूड़ा न डाल करके जो है इसके अंदर न डाल करके मुख्य सड़क पर डाला जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गाड़ी है वो पहुँची हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी आई है और यहाँ पर जो है कूड़ा है उसको यहाँ पर डाला जा रहा है। PWD की गाड़ी है और जो लोग हैं और यहाँ के निगम पार्षद, उनका भी यही आरोप है कि जो इस सड़क पर जो है PWD का जो गाड़ी है उसके द्वारा यहाँ पर आ करके डाल दिया जाता है, जबकि ये वो लोगों के चलने के लिए है, आम सड़क है, मुख्य सड़क है, बावजूद उसको कूड़े डाल करके भर दिया जा रहा है। और इसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेवार है, यहाँ की विधायक जिम्मेवार हैं, जो स्वयं दिल्ली सरकार की मंत्री हैं। आशुतोष कुमार, दिल्ली।